कल शाम को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। 18 तारीख की शाम को, 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, और मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना रही हूं। ये ऑर्डर बहुत स्पष्ट तौर से कहता है, द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट दैट अ किकबैक ऑफ ₹100 करोड़ वॉज एक्चुअली पेड बाय द लिकर ग्रुप इज समवॉट अ मैटर ऑफ डिबेट। फिर वो कहते हैं कि डीओई ने ये कहा, वो कहा, और एंड में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, द चार्ज दैट द एपिलेंट मनीष सिसोदिया इज वाइकेरियसली लाइबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, कैन नॉट बी अलेज्ड एंड हैज नॉट बीन आर्ग्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है, और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया?